सो दोस्तों 2001 के अंदर स्कोडा ऑक्टावे की फर्स्ट जनरेशन आई थी, और अब आप देख रहे हैं इसकी फोर्थ जनरेशन मेरे साथ है। जी हाँ, आज जो लॉन्च हुई है गाड़ी स्कोडा ऑक्टाविया, ये फोर्थ जनरेशन के साथ लॉन्च हुई है। इसके प्राइस भी रिवील हो चुके हैं, मैं आपको बताऊंगा उसको भी बहुत जल्दी, बने रहे वीडियो के साथ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल कार इन टॉक। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो बिहाइंड द कैमरा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो के बात करते हैं इसके सबसे पहले फ्रंट फीशिया की। फ्रंट फीशिया में अगर आप देखेंगे इसकी जो पर्टिकुलर एक फ्रंट लुक होती है, आपको वो काफ़ी स्लिम और बोल्ड लगने वाली ये गाड़ी आपको सामने से अगर आप देखेंगे, इसका पूरा स्टेंस देखेंगे, गाड़ी काफ़ी नोज डाउन काइंड ऑफ इसके अंदर इफेक्ट देती है। अगर आप देखेंगे एरोडायनामिकली इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो काफ़ी अच्छी तरह से स्कोडा के इंजीनियर्स ने, डिज़ाइन टीम ने इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर दिखाना चाहूँगा इसके जो बाई प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है, जिसको स्कोडा कहती है स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग, ये बेसिकली LED प्रोजेक्टर के अंदर है। यहाँ पे इसकी एक अच्छी बात यह है कि अगर आपके गाड़ी के स्टीयरिंग के इनपुट से और गाड़ी की स्पीड इंटेंसिटी से ये ऑटोमेटिक अडेप्टिव लाइट को आपको थ्रो करता है रोड के अंदर, डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द योर ड्राइविंग कंडीशन, तो आप इसको कम ज़्यादा आपके हिसाब से नहीं, आप ऑटोमेटिकली ये गाड़ी को हेडलैम्प इसको कवर करती है। थोड़ा आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे LED फॉग लैम्प मिलेंगे, जो कि सराउंडेड है बिल्कुल क्रोम से और बहुत अच्छी तरह का क्रोम है। ये देखिए यहाँ से चलते हुए पूरा दूसरे फॉग लैम्प में ये इंटरकनेक्ट होता है। और यहाँ पे देखेंगे आपको पियानो ब्लैक फिनिश की ग्रिल मिलेगी, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सराउंडिंग मिलेंगी आपको, बेसिकली इट्स अ सिग्नेचर ग्रिल ऑफ द स्कोडा। यहाँ पे देखेंगे तो इनका एम्बलम है यहाँ पे। सो कुछ फ्रंट लुक इसका इस तरह से है। एयरडेम आप एगा देखेंगे तो हनी कॉम के अंदर आपको यहाँ मिलेगा, और ये गाड़ी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। डायमेंशन वगैरह मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्या है क्या नहीं। अब चलते इसके साइड के अंदर। हाँ सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गया कि ये गाड़ी आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर के साथ साथ आपको पार्क असिस्ट ऑप्शन के साथ भी मिलती है। यहाँ पे देखेंगे तो इसका बोनेट जो है काफ़ी कर्ली, आपको एक फ्लैट नहीं लगेगा, आपको एक गुलाई वाला बोनेट लगेगा आपको थोड़ा सा, और इसके अंदर आपको शार्प कैरेक्टर लाइंस मिलेगी इस बोनेट के अंदर। इफ यू सी द साइड लुक ऑफ दिस कार, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये गाड़ी साइड से काफ़ी शार्प और मैसिव लगती है, वो होती है अपने आप में एक बोल्ड अंदाज देती है आपको इस गाड़ी के अंदर। लॉरेन कैलमैन का ये एडिशन, ये टॉप एंड मॉडल है बेसिकली, ये गाड़ी ऑफर की गई है दो मॉडल के अंदर, स्टाइल और लॉरेन कैलमैन एडिशन के अंदर। ये हाँ लॉरेन कैलमैन एडिशन, यहाँ पे आप देखेंगे जो टायर प्रोफाइल है समवेयर अराउंड 205 सेक्शन 55 R16 का, इसके अंदर आपको एलॉय रिम मिलेगा जो कि है ड्यूअल टोन के अंदर। यहाँ पे देखेंगे तो 5 नट सेट्स के अंदर मिलेंगे। डिस्क ब्रेक काफ़ी ह्यूज है इसके, और इसके और भी सेफ्टी फीचर्स है वो मैं आपको हाईलाइट में कर दूंगा थोड़ी देर के अंदर। इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, ओवरऑल जो आप इसका एक स्ट्रेंथ देखेंगे कुछ इस तरह से दिया गया है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव इन द टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग। साइड मिरर आपको ऑटोमेटिक रेक्टेंगल और फोल्डेबल मिलेंगे आपको, एडजस्टेबल मिलेंगे, टर्न इंडिकेटर यहीं पे मिलेगा आपको, क्रोम की आपको पूरी सराउंडिंग मिलेगी चारों तरफ से, और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का आपको टच दिया गया है। अभी ये तो नई गाड़ी है तो ये कवर्ड अप है। यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टर लाइंस काफ़ी अच्छी दी हुई है, यहाँ पे आप फ्यूल लिट देख पाएंगे। अच्छी एक बात यह कि यहाँ पे आपको 4 डोर सेंसर्स मिलेंगे, आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलेंगे, आप किसी भी आपके पास चाबी होगी तो आप किसी भी दरवाजे को बिना अनलॉक किए खोल सकेंगे। सो ये है इसका कुछ वाटर लुक। और चलते हैं गाड़ी के ऊपर। इस एडिशन के अंदर बेसिकली कोई सनरूफ का इसमें टच नहीं दिया गया है, विच आई एम ऑल्सो मिसिंग। यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिलेगा आपको, और ये बिल्कुल कोई छत से जुड़ा हुआ एक प्रॉपर ग्लास मिलेगा, जो कि अपने आप में इस सेगमेंट में एक अलग ही डिज़ाइन और अलग लुक लेके आती है। और ये गाड़ी अपने सेगमेंट की, अपने प्राइस सेगमेंट में पहली ऐसी गाड़ी है जो कि लिफ्ट बैक है, और लिफ्ट बैक होता क्या है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो मैं बता रहा था इसका लिफ्ट बैक फंक्शन जो इस सेगमेंट के अंदर कोई गाड़ी नहीं देती है। आप देखेंगे इसका जो डिक्की एरिया जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, इट्स अ लिफ्ट बैक डी सेगमेंट सेडान। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो कांच और डिक्की सारी पूरी एक साथ खुलती है, जो अपने आप में आप देखेंगे तो यही गाड़ी और स्कोडा के अंदर, स्कोडा ऑक्टाविया के अंदर बेसिकली ये गाड़ी शुरू से ही दी जाती है सन 2001 से। ये इसका ऑटोमेटिक बूट क्लोजर है। गुड थिंग इज दैट कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी के क्रोम प्लेटेड आपको एम्बलम मिलेंगे, साथ में आप देखेंगे तो इसका कैमरा यहाँ पे मिलेगा। और इसके अंदर एक अच्छा फीचर ये कि ये वॉशर जेट यहाँ पे दिया हुआ है, आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे वॉशर जेट दिया, ताकि अगर कैमरा इनकेस गंदा होता है तो आप उसको भी क्लीन कर सकते हैं। स्कोडा की बैजिंग है यहाँ पे, और कोई वेरिएंट की यहाँ पे बेजिंग नहीं है, बस आपको फेंडर मिलेगा कि ये कौन सा वेरिएंट है। यहाँ पे इसके जो टेल लैंप है कुछ इस तरह से दिए गए हैं एनिमेटेड से, और ये कम्प्लीटली अगर आप देखेंगे काफ़ी शार्प लुक देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग का इसका ब्रांड दिया गया है इस लाइट को, पर्टिकुलर लाइट को। और यहाँ पे आप देखेंगे जो इसकी एक इस खासियत जो
चेक ग्लास, क्रिस्टा ग्लास, उसका यहाँ पे इफेक्ट दिया गया है पूरा अपर साइड, और बाकी ये पूरी लाइट कंप्लीटली एलईडी से लेस है, चाहे आप उसकी रिवर्स इंडिकेटर, पार्किंग या ब्रेकिंग जो भी आप कहें, सब आपको उसी में मिलेगी। मैं आपको यहाँ पे एक और इसकी एक फंक्शनलिटी दिखाना चाहूँगा इस स्कोडा ऑक्टाविया की, कि अगर आपके हाथ में ज़्यादा सामान है, आपके हाथ बिजी नहीं है, आपके पास की है और गाड़ी लॉक है, तो आप उसको बूट भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मेरे अभी फ्रेंड अब करके दिखाएंगे आपको। ये जस्ट एक गेस्चर दिया, हियर वी गो, आपका लिफ्ट बैक गेट पूरा ओपन हो जाता है और आपको वाइड टेम्परेचर दे देता है, आप जितना मर्जी चाहे सामान रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बूट की, तो बूट इसके अंदर जो कंपनी ने क्लेम किया है 600 लीटर का, इसके अंदर स्टैंडर्ड बूट दिया गया, जो कि किसी भी मिड साइज एसयूवी से भी बहुत 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 ज़्यादा है। और अब बात करेंगे इसके एक्सटेंशन की, तो आप इसको 1555 लीटर तक बढ़ा सकते हैं। और अच्छी बात यहाँ पर यह दी गई है कि इनकेस अगर आपको ज़्यादा सामान की जरूरत पड़ती है और आपका बूट ओपन है, तो आप यहीं से इनको फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इसी बटन से इन सीटों को आप फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो टॉप टीथर दिए गए दो साइड, और साथ में ये बूट एरिया जो है वो आपको कैबिन से भी एक्सेस कर सकते हो, आप अगर आप चाहो तो आप कैबिन से भी आपका बूट एक्सेस कर सकते हो वाइल सिट ऑन द रियर पैसेंजर सीट। यहाँ पे और चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, तो लगेज लाइट मिलेगी यहाँ पे, एक अच्छे से आपको एक स्टोरेज मिलेगी जो कि अच्छी बात है यहाँ पे। और यहाँ पर इसके अंदर वेलक्रो प्लास्टिक के पार्ट दिए गए, ताकि अगर आपको कोई अपने सूट के साथ बैग को अगर आप वाइल ड्राइविंग अगर इधर उधर नहीं पटकना चाहते तो वो भी आप लगा सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आपको नेट हुक्स भी दिए गए हैं, इधर की साइड चार हुक्स दिए, ताकि अपना आप अपना सामान आराम से प्लेस कर पाए। और इसकी जो पार्सल ट्रे है अपने में काफ़ी ह्यूज है। इलेक्ट्रिक गेट क्लोजर इसके अंदर दिया गया है, इस तरह से ये गाड़ी लॉक होती है। पीछे बम्पर की बात करें, बम्पर एरिया भी काफ़ी बड़ा है इसका। रियर पार्किंग सेंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस 6 रियर सेंसर मिलेंगे। और यहाँ बात करेंगे तो आपको रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे, और ये गाड़ी पीछे से अपने आप में काफ़ी यूनिक लगती है। तो अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, बेसिकली अब बात करेंगे हम इसके ऑल अराउंड एम्बियंस के मामले में। गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, हेडरूम आप देख पाएंगे कुछ इतना है, और लेगरूम अंडर थाई सपोर्ट भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। जो इसकी सीट्स हैं वो 12 वे एडजस्टेबल है विथ लंबर सपोर्ट, और साथ में इसके अंदर तीन ड्राइवर्स की मेमोरी सीटिंग का एक ऑप्शन दिया गया, ताकि आपके घर के अंदर तीन लोग भी अगर ड्राइव करते हैं इस गाड़ी को, पर्टिकुलर गाड़ी को, तो तीनों के तीनों ड्राइवर की अगर पोजीशन अलग है तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा फंक्शन होगा अपनी सही ड्राइविंग पोजीशन को याद रखने के लिए और चूज़ करने के लिए तीनों ड्राइवर्स के लिए। और बात करते हैं इसके ओवरऑल एम्बियंस की, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 10 इंच की आपको डिस्प्ले मिलेंगी, जिसके अंदर आपको सारे के सारे फंक्शंस मिलेंगे। इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी दिया गया है, जो कि वायरलेस है फॉर्चुनेटली। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके जो बटन्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ के हैं। इसके जो एयर कंडीशनर आपको सिस्टम दिया गया है वो ड्यूल जोन एसी दिया गया है। यहाँ पे एक अच्छा फंक्शन और है कि इस गाड़ी में आपको मिलेगा पार्क असिस्ट। एम्बियंट लाइटिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ चॉइस की आप एम्बियंट लाइटिंग आप यूज़ कर सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं अपने मूड के हिसाब से। स्टीयरिंग रैक देखेंगे इसका, तो स्टीयरिंग 2 spoke दिया गया है, यहाँ पे इसका 1 spoke हटा दिया गया है, और लेदरेट है ये गाड़ी का स्टीयरिंग, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्रूज कंट्रोल के स्विचेस मिलेंगे यहाँ पे, और इंडिकेटर के स्विचेस मिलेंगे आपको यहाँ पे, हेडलाइट के स्विच यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे आपको वाइपर के स्विच मिलेंगे जो कि वो रेन सेंसिंग वाइपर हैं, और उसके हेडलैम्प भी ऑटोमेटिक है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको स्टीयरिंग की जो एडजस्टमेंट है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिलेंगी, पैडल शिफ्टर आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ और स्कोडा ने बताई है कि ये इनकी सबसे पहली गाड़ी है जिसके अंदर शिफ्ट बाय वायर का एक ऑप्शन दिया गया, कि इलेक्ट्रिकली इसके अंदर सारे आपके गियर शिफ्ट हो गए, ना कि कोई वायर या कोई मैकेनिकल मैकेनिज्म से, ये इलेक्ट्रिकली ही इस गाड़ी के गियर को चेंज करेगा, सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका आर्म रेस्ट भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, लेदरेट है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ओपनेबल है, काफ़ी अच्छी खासी जगह है यहाँ पर, और ये कूल्ड आई थिंक नहीं है, जी नहीं बिल्कुल नहीं है, 2 beverage होल्डर्स हैं आपके। यहाँ पर आप गाड़ी की सकेंगे, यहाँ पे पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड का बटन मिलेगा आपको, पार्किंग ब्रेक यहाँ पे मिलेगी, ऑटो पार्क का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको, वायरलेस चार्जिंग और 2 Type-C आपको USB पोर्ट मिलेंगे यहाँ पे। टाइप ए यहाँ पे आप देखेंगे ऐसा मिसिंग है यहाँ पे, जो कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। इसी वेंट यहाँ पे इस तरह से दिया गया, नर्लिंग वाला इसके अंदर क्रोम का पैटर्न दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। बाकी आप बात करेंगे इसके ओवरऑल स्टीयरिंग की, तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉइस कमांड और ये सारे आपको बटन मिलेंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इसके अंदर नॉब्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ये सारे बटन यहाँ पे मिलेंगे, काफ़ी अच्छे फंक्शनैलिटी के साथ आपको मिलेंगे। बाकी हॉर्न पैड आपको यहाँ मिलेगा, क्रोम के सराउंडिंग आपको मिलेगी, पियानो ब्लैक फिनिश का भी आपको टच कहीं ना कहीं स्टीयरिंग में देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे मिलेगी आपको एक बड़ी ह्यूज सी एक ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम जो कि पूरी कंप्लीटली डिजिटल है। यहाँ पे आपको 10 इंच की एक डिस्प्ले मिलेगी और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो उसके जो बटन है कैपेसिटिव बटन है वॉल्यूम कैपेसिटिव बटन है यहाँ पे ऑन ऑफ का भी, ये कुछ इसका इसका स्टफ है। बाकी बात करेंगे यहाँ पे ऊपर की साइड, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो ये लाइट है, यहाँ पे कोई बटन नहीं है, जस्ट आपको एक जेस्चर देना है जस्ट लाइक दिस, लाइट बंद और लाइट चालू। और आप इसकी जो डिमिंग है वो ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी उंगली की मूवमेंट से। और यहाँ पे आप देखेंगे पैसेंजर एयरबैग के साथ साथ आपको कौन सा दरवाज़ा खुला है और सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैनिटी मिरर से आपको मिलेंगे यहाँ पे विद एलईडी लाइट, पैसेंजर साइड भी और ड्राइवर साइड भी मिलेगा आपको यहाँ पे, एक टिकट होल्डर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा और एक टिकट होल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक अच्छा फंक्शन ये है, आई डोंट नो व्हाई ये कभी ड्राइवर को काम आएगा या नहीं आएगा उतना हमें पता नहीं है। यहाँ पे देखेंगे सनग्लास होल्डर भी आपको दिया गया है। हाइट एडजस्टेड इसकी सीट बेल्ट है आपके। इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगे 8 एयरबैग्स कोट हुक भी है यहाँ पे और कुछ इस तरह से इसका एम्बियंस है। आप देखेंगे तो इसका डैशबोर्ड लेआउट काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है अपने आप में। ग्लव बॉक्स भी आप देखेंगे यहाँ पे, कूल्ड है ये और अच्छे खासे स्पेस के साथ है। यहाँ पे भी छोटी सी एक जगह दी गई है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कपल डिस्टेंस भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं इसके बैक सीट के अंदर, उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें हाईलाइट करवाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगी हेडलैम्प और फॉग लैम्प के, आपको स्विचेस यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो बेसिकली आपको मिलेगा यहाँ पे, जो थोड़ा किसी को ऑड भी लग सकता है और किसी को अच्छा भी। आप अपने हाइट अपने ओआरवीएम को एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ये ग्लास सीटेड भी हैं और अगर कोई फॉग जम जाता है तो आपको उसको भी एक ऑप्शन। चाइल्ड लॉक यहाँ पे ऑटो ऑफ डाउन दिए गए हैं, ऑटो ऑफ डाउन दिए गए हैं। ये कुछ यहाँ पे पियानो ब्लैकफिश का यूज को इंटीरियर दिखेगा जो काफ़ी अच्छा है। 1.5 लीटर की बोतल होल्डर आपको यहाँ पे मिलेंगे और साथ में आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्शन मिलेगी स्कोडा की फ्रंट डोर्स पे, और यहीं पे आपको एक रिफ्लेक्टर भी दिया गया है ताकि अगर इनकेस अगर आप कहीं अंधेरे रास्तों में आपकी गाड़ी खड़ी होती तो पीछे वाले व्हीकल को ये चीज़ दिखाई दे। रियर सीट की अगर बात करेंगे यहाँ पे हम उससे पहले दिखाऊंगा कि यहाँ आपको सन ब्लाइंड भी मिलेगी पीछे के विंडोज़ में, साथ में आपके पीछे के ग्लास में भी आपको एक सन ब्लाइंड का ऑप्शन दिया है। सीटें इसकी काफ़ी आरामदायक है, मैंने काफ़ी इसको बैठ के देखा है। 3 आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिलेंगे और जो थाई एरिया अंडर थाई सपोर्ट भी आप एरिया अगर देखेंगे 2 पैसेंजर्स का काफ़ी अच्छा है। 3 लोग तो शायद मुश्किल ही होगी थोड़ी सी, अगर बच्चा एक बच्चा और 2 एडल्ट्स हो गए तो अच्छी तरह से सफ़र को एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पे आप देंगे तो 2 आपको टाइप सी चार्जर पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे टाइप ए नहीं है। यहाँ पे आपको एसी वेंट मिलेंगे, फ्लोर टनल थोड़ा सा ऊपर उसका दिया गया है। बाकी आप देंगे तो चाइल्ड सीट के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे विच इज़ वेरी गुड थिंग। एम्बियंट लाइट मिलेगी, हैंडल मिलेंगे आपको यहाँ पे मिलेंगे दोनों ग्रैब हैंडल विद कोट हुक। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे सीट्स पे आपको 3 हेडरेस्ट मिलेंगे और अच्छी बात ये है यहाँ पे जो आप यहाँ पे इन कैबिन बूट एक्सेस कर सकेंगे दोनों सीटों से। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यू विल सी दैट कि आपको सेंटर आर्मरेस्ट के साथ कप होल्डर्स और अदर डिटेल्स के लिए आपको यहाँ पे प्लेस मिलेगा जो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक का बना हुआ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो लेदरेट सीट है काफ़ी अच्छी डिज़ाइन के साथ दिखेगी। जो बैक पॉकेट है इसके अंदर आपको देखिए स्पेशल से मोबाइल होल्डर मिलेगा, साथ में आपको मैगजीन होल्डर मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इसके अंदर जो टच काफ़ी अच्छे दिए गए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आपके लिए 4th जनरेशन स्कोडा ऑक्टाविया का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड ड्राइव भी अगर मैं कोशिश करूँगा जैसे जल्द इसकी डालने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने ओपिनियन को। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं टेस्ट ड्राइव या बुकिंग के लिए तो कांटेक्ट करिए ब्राइट स्कोडा नोएडा सेक्टर 6 में एक्सपीरियंस सेंटर पे, आइए एक्सपीरियंस कीजिए इस गाड़ी को और अपना बना लीजिए। इसी मैसेज के साथ मैं विमल कुमार लूँगा विदा। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों टेक केयर, ड्राइव सेफ और ओबे द ट्रैफिक रूल्स। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर जरूर मिलेगी, विमल कुमार साइनिंग ऑफ।